जो सदगुरु ना होते तो मर जाते सारे। कोई गुरु होता है जो मार्ग को प्रशस्त कर कर लेकर जाएगा, कोई सदगुरु होता है जो मार्ग को बना कर जाएगा, भटकेगा नहीं। बस उसको पहचानना, उसको जानना। बहुत सोचो समझो, शास्त्र कहता है पानी पियो छान गुरु करो जान। नहीं तो आज के जमाने में तो चारों तरफ ढेर लगे हुए हैं, गली गली में गुरु गुरु, और जब देखो वही शुरू। ऐसे क्या मतलब? गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले ओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हमी को दियो। आज का गुरु अन तो ऐसा हो गया, बस उनको तो माल से मतलब, तुम स्वर्ग जाओ नरक जाओ कहीं पे भी जाओ कोई मतलब नहीं, अपनी सुख के लिए भजन करो। भजन भागवत कहती है, सनकादि ऋषि कर रहे हैं, आत्मदेव बच गया, प्रणाम करा, संत के चरणों में पड़ा, संत ने एक फल निकाल कर दिया, तेरी धर्मपत्नी को खिलाना, गर्भ से हो जाएगी, फल लेकर गया, धुंधली को दिया, धुंधली ने सोचा फल खाऊंगी गर्भ ठहर जाएगा, बुरी लगूंगी, कहीं जा सकती ना आ सकती, कष्ट भी कितना होगा। अपनी सहेली को कहा बहन कुछ कर, बहन ने सहेली ने कहा यह फल गाय को खिला दे, गाय गर्भ से हो गई, मेरी संतान तू ले लेना, कुछ रुपए पैसे दे देना, ले ली। गाय का पुत्र हुआ गोकर्ण, सहेली की संतान ने उसको ले जा कर दिया, उसका नाम धुंधकारी हो गया। जो भगवान की प्रसाद से हुआ था गोकर्ण, वो भगवत भजन वाला था, धुंधकारी बेकार कर्म में डूबने वाला। ध्यान देना, जिंदगी में तीन मित्र आपका जीवन नाश कर देते हैं, पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। कौन कौन से? जम के बोलो, ताली, थाली, प्याली, ये जीवन नाश कर दे। प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, ताली बजा बजा कर प्रशंसा करेंगे तुम्हें नरक में ले जाके पटक देंगे, प्रशंसा वालों से दूर। होटल में खिलाने वालों से दूर रहना, आज अपने पैसे से तुम्हें खिलाएंगे, कल तुम्हारी पूरी जायदाद बेचकर खुद खजाएंगे। और प्याली मित्र से दूर रहना, ये भी कहीं ना कहीं ले जाकर अपने पैसे से पीना सिखाएंगे और तुम्हें बर्बाद कर देंगे, वो प्याली दूर। ताली, थाली और प्याली से जितनी दूरी बनाकर चलोगे उतना सुख का अनुभव भोग सकोगे, दूर रहे। महाराज धुंधकारी गलत कर्म में पड़ गया, गौकर्ण भगवत भजन में अपने पिता को लेकर वन चले गए, वन में जाकर भगवत नाम का जाप किया, प्राण छूटे पिता के तर्पण आदि क्रिया कर, माता के प्राण छूटे। एक दिन धुंधली ने अपने बेटे धुंधकारी से बात करी, धुंधकारी ने कहा मां मुझे धन चाहिए, मां ने नहीं दिया, क्रोध में आ गया, हाथ उठाया मां पर, मां को लगा जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करा आज वो मेरे ऊपर हाथ उठाता। ध्यान देना, जिस घर में मां बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। माता पिता कितना भी भेदभाव करें, माता पिता कितना भी एक दूसरे से ईर्ष्या करें, माता पिता कुछ भी कहें, पर भागवत कहती है जिसके घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता, जो बेटा बहू जो बच्चे अपने माता पिता से मीठी वाणी में आवाज बात नहीं करते, उस घर की लक्ष्मी धीरे 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 समाप्ति पर चली जाती है साहब, समाप्ति, समापन पर। समय अभी इस कथा के पहले भिलाई कथा थी, जी जी भिलाई से कथा करकर हम यहां आए, भिलाई में गोयल परिवार का, गोयल परिवार कथा कर रहे हैं, उनके पिताजी होंगे 90 साल के, टीवी पे कथा सुन ली होगी, और हाथ थर थर कांप रहे, अवस्था में चलते फिरते नहीं बनता, पलंग पर पड़े, पर उनने कहा मेरे को कथा सुनना, चारों बेटों से कह दिया कुछ भी हो जाए कथा होना चाहिए। बेटे कह रहे पापा फैक्ट्रियों से फुर्सत नहीं, उनकी लोहे की फैक्ट्री, राइस मिलें कई बहुत सारी, फुर्सत नहीं है पिताजी, कहां नहीं कथा तो होना। सब बेटा बहू मिलकर कथा का रसपान करा, हम उनको एक ही बात बोले, तुमने जिंदगी में अगर कुछ करा अच्छा तो ये पिता के वचन को मानकर जीवन को सार्थक कर लिया,
आज ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, ये बच्चे ये बहुएं सब बैठे हैं कथा का आगे बढ़ बढ़ कर, सियोर भी आए कथा बुक करने के लिए, तो बहू आगे आगे पेन कागज से लिखी, ये करना ये करना ये करना, तो बच्चों में ये भाव होना चाहिए। तो कथा करने में, कथा करवाने में और कथा सुनने में आनंद की अनुभूति होती है। मालूम पड़े सास ससुर कथा कराएं और बहुओं का मुंह भगोने जैसा होए, कथा में नील आए, तो का मतलब कि ऐसा कथा करवाने से, बोलो तोरी जी जी हो, अरे अच्छे से तो बोलो री भोपाल वाली, सही है कि गलत, का मतलब कर? जहां प्रसन्नता हो, चेहरे पर आनंद हो, वहां लगता है कि कथा का रस तत्व ग्रहण किया जाए। जहां प्रसन्नता ही नहीं हो, एक बच्चे एक ने पूछा, बच्चे ने, गुरुजी पहले राजा दशरथ जी के यहाँ पर एक कमरा गुस्सा करने के लिए होता था, कोप भवन। हमने कहा आजकल नहीं बनाते ऐसा, घर में रूम गेस्ट रूम बनाते हैं, वीआईपी रूम बनाते हैं, तो घर में कोप भवन नहीं बनाते। मैंने कहा बेटा बनाने की जरूरत नहीं, पूरा घर ही कोप भवन। वो एक उधर पड़ी, एक उधर पड़ी, एक उधर पड़ा, सबका ही मुंह भगोने जैसा पड़ा। क्या करे इनके बना के अलग से कमरा, क्या करे कमरा? कोई सोचे मेरी चले कोई, सत्ता नहीं, भजन होना चाहिए, भजन। हमने पूछा गोयल जी से, क्यों गोयल जी ये पिताजी की तबीयत ऐसी क्यों हो गई? कहे हमारी माता जी चली गई जब से पिताजी ऐसे हो गए 6 महीने से। हमने पूछा इतना प्रेम था? नहीं, प्रेम नहीं, कंपटीशन था। हमने कहा क्या कंपटीशन था दोनों पति पत्नी में, इन बुढ़े बुढ़ी में क्या कंपटीशन था? तो कहते थे दोनों में राम नाम का कंपटीशन था, दोनों राम नाम लिखते थे और कितने पेज भरना है, जिसके ज्यादा भराते थे वो उसको 500 रुपए देता था, कंपटीशन चल रहा था। राम 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 राम, भजन कृष्ण, स्मरण, माला कितनी जपी, नाम कितना जपा, स्मरण कितना करा, कीर्तन कितना करा, उसका महाराज शिव महापुराण में वो कथा को श्रवण करा जब सुख का, तब उनको ज्ञान। निवेदन है, भागवत भी वही कह रही है। आज धुंधकारी ने हाथ उठाया, माने गले में पत्थर बांधकर कुएं में कूद कर प्राण त्याग दिए। जिस माँ का बेटा संस्कारित नहीं होता, उस माँ का अंत इसी तरह होता। इसलिए आपसे निवेदन है, बच्चों को कार मत दिलाना, बच्चे बेच कर खा जाएंगे। अगर बच्चों को दिलाना तो श्रेष्ठ संस्कार दिलाना, तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे साहब। संस्कार होंगे तो कार भी शोभा देती है, संस्कार नहीं तो कार किस काम? संस्कार महाराज, कथा सुनी, धुंधली के प्राण छूटे, 5 वेश्याओं ने धुंधकारी का संग किया, 5ों ने उसके प्राणों को हर लिया, प्रेत की योनि में पड़ गए, प्रेत भटक रहा। रात को आया गौकर्ण, सोया, भैया मुझे मुक्ति नहीं मिली, तेरे मोक्ष के लिए मैंने कितना करा, गया जी में पिंड दिया, तर्पण करा, ब्राह्मणों का भोजन कराया, दान पुण्य करा, मुक्ति नहीं मिली? नहीं, कुछ करिए। सूर्य नारायण का रथ रोका, सूर्य देवता ने कहा अगर तुम्हारे भाई को मोक्ष देना है तो एक बार श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर। भागवत कराई, जहां पर मंडप बना था उसी मंडप में बांबू लगा था, बांस, उस बांस में धुंधकारी जाकर बैठ गए। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फटती चली जाती है, 7 दिनों में 7 गांठें जाती हैं, अंत में बैकुंठ से विमान आता है जिसमें धुंधकारी बैठकर परम धाम को जाता है। देवता पुष्पों की वृष्टि करते हैं, गंधर्व गान करते, अप्सरा नृत्य करते, चारों तरफ सुख का अनुभव होता है। गौकर्ण का प्रसंग जीवन का सुख देने वाला होता है। निवेदन करा देवताओं से, धुंधकारी को मोक्ष मिला, हमें क्यों नहीं, हमने भी तो सुना। देवताओं ने कहा धुंधकारी ने एकाग्र चित्त एकाग्र मन से सुना, आप सुन नहीं पाए इसलिए मोक्ष नहीं मिला। एकाग्र चित्त से अगर श्रीमद् भागवत कथा के रस तत्व को ग्रहण करते तो जीवन का सुख मिल जाता, जीवन का आनंद मिल जाता, जीवन का रस तत्व प्राप्त हो जाता, तात्विक सुख की अनुभूति हो जाती।
तात्विक रस तत्व की अनुभूति हो जाती है। ठीक है, अब आप भी एकाग्र चित्त से एक बार कथा का रसपान करें। गौकर्ण ने फिर कथा का रसपान किया, देवलोक का आनंद पाया। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी महाराज कि गौकर्ण और धुंधकारी के इस चरित्र को जो श्रवण करता है उसके घर से पितृ दोष समाप्त होकर पितृ देवलोक को प्राप्त होते हैं और जीवन का सुख पा जाते हैं। महाराज ये कथा तरण तारण है जीवन में सुख का अनुभव कराने वाली, सुखमूल स्थापित कराने वाली। ऐसी पावन कथा का रस तत्व अपन को ग्रहण करने का सौभाग्य भादो के महीने में हुआ है और बड़े भाव से गुफा मंदिर के इस पावन प्रांगण में मानस भवन में 7 दिवस कथा का रसपान अपन कर रहे हैं। जितने भी लोग इस कथा को फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भी लाइव देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है ठीक 3 बजे से 6 बजे तक इस पावन कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं, सार्थक बनाएं। और आपसे भी निवेदन है भादो के महीने में एक बार 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। अवश्य अपने पूर्वज अपने पितर कहते हैं भादो के बाद में जो अश्विन आता है उसी के अंतर्गत हमारे पितरों के दिन आते हैं। कहते हैं भादो में सुनी हुई भागवत का फल हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है और पितर लोग देवलोक को चले जाते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पावन रस तत्व को ग्रहण करो और अपने जीवन को धन्य तत्विक। आज की कथा यहां पर विराम की ओर रहेगी। कल कथा में सुंदर प्रसंगों को अपन श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे और अभी एक भजन के बाद में फिर आगे आरती का क्रम होगा, फिर प्रसाद वितरण का क्रम होगा। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लागी लगन मत छोड़ना, दोनों हाथों से लागी लगन मत तोड़ना। ओ प्यारे लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मारी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मारी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मारी लागी आओ से काली सेवा देते हो। ओहो जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, हे जल है गहरा नाव पुरानी, जल है बीच भवर मत छोड़ना। ओ प्यारे बीच भवर मत छोड़ना, हरि जी मारी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मारी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मारी लागे लगन मत तोड़ना।